अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। रियोज, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट स्टार से आपको मिलवाते रहते हैं, और ऐसी ऐसी शख्सियात से मिलवाते हैं जिनका ना सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है, बल्कि अपने शोबे में रह के बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देते हैं। और स्पेशली अगर हम वुमेंस की बात करें, पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए वुमेंस का आगे आना और इम्पावर होना जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए। और मैं इस सिलसिले में आज मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट्स के साथ मौजूद हूँ, और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी इंटेलेक्चुअल किस्म की प्रेसिडेंट आज हमें मिली है लाहौर में, कि जिन्होंने अपने चैम्बर के लिए ना सिर्फ बल्कि ख्वातीन के लिए बहुत काम किया है, ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किया है। वो क्या क्या फतवाहत हैं उनकी है, ये जानने के लिए आज मेरे साथ मैडम सहर मलिक, जो कि प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर कॉमर्स लाहौर डिवीज़न की, उनसे आज हम बात करेंगे। और यकीनन ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र आज बहुत ही हसीन होने वाला है, क्योंकि आज ख्वातीन की बात होगी, आज ख्वातीन के इशू की बात होगी, और ख्वातीन आज हमारे मुल्क में इतनी एम्पावर होना ज़रूरी क्यों है इसके ऊपर बात होगी। और स्पेशली एक क्वेश्चन मैं उनसे ज़रूर पूछूँगा कि वुमेन चैम्बर का होना क्यों ज़रूरी है और इसका असल काम क्या है, लोगों को, आम इंसानों को, यानी कि आम ख्वातीन को इसमें ऑन बोर्ड करना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र जारी है। मेरे साथ मौजूद है सहर मलिक जी। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। सहर मलिक साहिबा, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज की सुबह और आज का दिन वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में गुजर है मेरा, और एक ऐसी प्रेसिडेंट के साथ मैं मौजूद हूँ। नो डाउट कि मेरा लगता है कि आपने ख्वातीन के लिए बहुत काम किया है, और मैं ये वुमेन चैम्बर की अगर बात करूँ डॉक्टर शैला से लेकर सहर मलिक तक, माशाल्लाह मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैंने आलमोस्ट तमाम प्रेसिडेंट्स को कवर किया है इंटरव्यू में। तो आज 142 एपिसोड जो होने जा रही है सहर मलिक, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहले मेरा एक फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, तो बतौर खातून ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, और आपकी यानी कि थोड़ी सी जर्नी बताइएगा, और ये कहाँ से होते हुए आप एज ए प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेड कर रही हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ मेरे व्यूज को बताइएगा प्लीज़। जी, माय नेम इज़ सहर मलिक, और मैं यहाँ लाहौर से ही बेस्ड करती हूँ, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अरानी फैमिली से, एंड द थिंग इज के माय जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम सांदा कलां ताज मंजिल से, एंड देन ऑब्वियसली आई बीन मैरिड, और उसके बाद बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन हूँ। इट्स चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है जो कि मैं पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस भी करवा रही हूँ, और उसको जो है पाकिस्तान के अंदर इसकी जो है पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है ना इसका इनिशिएट करवा रही हूँ। तो मैडम, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत मुख्तसर बता दिया। मैं थोड़ा सा आपके माजी में जाना चाहता हूँ। लोग जानना चाहते हैं कि सहर मलिक एक्चुअल में है क्या, यानी कि सहर मलिक एक खतून का, यानी कि असल चीज़ ये है वुमेन चैम्बर का प्रेसिडेंट हेड प्रेसिडेंट बनना, ये नॉट इजी जॉब पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में रह के, तो ख्वातीन को आगे आना अच्छी बात है,
तो थोड़ा सा स्ट्रगल बताइएगा फेस का कि भी आपने एजुकेशन कहाँ से ली और फिर ये सब कुछ हुआ, फिर आपके मिस्टर की तरफ से आपको परमिशन मिलेगी कि आप जाए जी हवातीन के लिए कुछ करें, क्या आपका ये अपना एम था कुछ ऐसा करना, बचपन के कुछ ऐसे ख्वाब क्या थे, क्या देखा करती थी आप, और फिर उसकी तबीयत मिली कि नहीं कि ये सफर जारी है? हाँ, ये सफर तो मुझे लगता है हमेशा से जारी रहेगा, लेकिन जहाँ पे मेरी स्कूलिंग जो है वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मेरी से हुई हुई है, और उसके बाद जो है ऑब्वियसली आई वेंट टू वाइस कॉलेज और फिर मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस में किया. आई गॉट मैरिड और एज अ चाइल्ड आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली. तो जब सबसे छोटा होता है तो सबसे नॉटी भी होता है, तो आई वॉज सबसे के फ्री वाला. आई वॉज अ पर्सन जो कि एक बहुत एनिमल लवर था. अच्छा. जो कि बहुत ज़्यादा पेट्स की ट्रेनिंग्स के अंदर और कैट्स एंड डॉग्स, और आई थिंक आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, और मुझे साइकोलॉजी के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो आई हैड दैट, तो मैं बिल्कुल एज अ एनिमल ट्रेनर आई वाज ऑलवेज वेरी गुड. आई हैव ऑलवेज केप्ट एनिमल्स एज अ पेट. तो उसके अंदर जो है मैं अपने आप को इन्वॉल्व करती गई. फिर जो मेरा जो सबसे एक चीज़ थी कि आई हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व विद एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज मेरी फैमिली में देवर पीपल, तो विद द स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ आई हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व एट अ वेरी यंग एज. और उसमें मुझे ये हुआ कि मैंने साइकोलॉजी को परस्यू किया, बट साइकोलॉजी में ये था कि बिकॉज जो ऑटिज्म के साथ देयर वाज अ वेरी बहुत बड़ा फेलिएशन थी मेरी, बिकॉज आई वाज इजी कि मुझे मैं जो काम एंड असर्टिव रह के जो है अपनी चीज़ को जो है वो करार देती थी. ऑब्वियसली तो वो मेरे लिए एक ह्यूमन नेचर, और ऑब्वियसली कि किस तरह डील करना है, दैट वाज एट अ वेरी यंग एज आई हैव स्टार्टेड. तो मैंने साइकोलॉजी में अप्लाइड फॉर्म में बैचलर्स किया, फिर लेकिन कंप्यूटर्स के दौर आ गए, और फिर कंप्यूटर्स की एक जो एक नॉलेज थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई टुक द एडिशनल पेपर्स ऑफ मैथ्स, और मैंने कंप्यूटर साइंसेस, तब क्योंकि हर कोई बीबीए कर रहा था, और ऑब्वियसली एक पाकिस्तान में किसी ना किसी चीज का बूम आता है, बूम आता जैसे मैं जब था तो कॉमर्स का आया था, तो हम लोग कॉमर्स वाई कॉमर्स की तरफ चले गए. फिर एक देयर वाज अ टाइम कि जब बीबीए का आया, एमबीए का आया, मेरे टाइम पे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस का आया, तो आई डिड दैट. और वो करने से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली. आई थिंक इट वाज अ एक ट्रांजिशन का टाइम था, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं उस ट्रांजिशन में मैंने रोल प्ले किया. फिर शादी होगी रवायती तौर पर. जी जी. और फिर आप वो ट्रेडिशनली हमारी जो रवायात है और राय फैमिली की, स्पेशली लाहौर के राय फैमिली की, तो फिर आप फैमिली में इन्वॉल्व होगी. जी जी बिल्कुल, फैमिली में इन्वॉल्व हो गई, और इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम के आई गेव माय 100% लाइक द 10 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू माय चाइल्ड, क्योंकि मैं आई वाज अ वेरी पोजेसिव मदर एज वेल. तो मेरा ये होता था कि आई हैव वन सन, तो मेरा होता था कि और मेरे ख्याल में द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये थी कि आई थिंक उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उसकी तरबियत और एजुकेशन, और वो बहुत अच्छा दौर रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में द बेस्ट क्वालिटी टाइम. और वो बाद में जो होता है कि आप उस चीज़ को रिग्रेट ना करें, और हर फीमेल के टाइम पे यही आता है कि जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनकी ये मदरहुड जो है वो कट्ठी कट्ठी चल रही होती है. तो मैं क्वांटिटी टाइम पे नहीं बट क्वालिटी टाइम पे बहुत बिलीव करती थी. तो ये आपके स्टार का भी कमाल है कि आप क्वालिटी वर्क और क्वालिटी टाइम के ऊपर ज़्यादा यानी कि आपको यकीन है. सहर, ये कब लगा आपको कि अब आपको सीएसआर के हवाले से या ख्वातीन के हवाले से कुछ करना चाहिए, एक कदम आगे आना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो और वो भी एक ऐसे अदारे में एकदम से आप आ गई फौरन, और फिर आके लीड भी कर लिया एज ए प्रेजिडेंट, तो क्या इसके इदारे के साथ आपके कोई खास यानी कि एप्लीकेशन थी पहले? कि ये भी क्रेडिट डॉक्टर शैला जुवेद को जाएगा, जो हमेशा की तरह जैम्स लेकर आती हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आती हैं और उनको ला के वो बढ़ाती हैं. बिल्कुल जी, इसका बिल्कुल क्रेडिट जो है, बिकॉज थोड़ी सी आई हैड द नॉलेज ऑफ, और मेरी थोड़ी सी था डॉक्टर शैला के साथ फैमिली टर्म्स थे,
और व्हाट शी वाज डूइंग, तो वो चेंबर में आके ही पता चला कि क्या काम और कितना कमेंडेबल काम हो रहा है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. जब हो रहा था तो उसमें जो मेन जो चीज़ थी कि किस तरह वो फीमेल्स को एम्पावर कर रही हैं, किस तरह नेटवर्क करवा रही हैं, और चेंबर के प्रोफाइल के फीमेल्स को किस तरह वो उनकी बिजनेस को और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे उनके लिए और फाइनेंशियली उनको कैसे स्टेबल बनाना चाह रही हैं. तो दैट वाज समथिंग जो कि मुझे बहुत एक्साइट किया. और मैंने जो मेरा अपना जो ये मेन जो मेरा ये सिप्स चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन का, वो भी एक चेंबर के इवेंट से मैं गई थी पैकेजेस मॉल. वहाँ पे मैंने सेमिनार को अटेंड किया कि प्रोक्योरमेंट की लाइसेंस होल्डिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है. तो जब मैंने उसकी इम्पॉर्टेंस को देखा कि जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और जो बड़े सप्लायर्स के साथ काम करते हैं, उनको लाइसेंस होल्डर्स चाहिए जो प्रोक्योर करते हैं, जो पैसा स्टेक होल्डर का लगाते हैं बाइंग में. वो बेशक आप रॉ मटेरियल को कर रहे हैं, या आप किसी सर्विसेज को कर रहे हैं, या आप ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट कर रहे हैं, तो सारा कुछ जहाँ जहाँ बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रोक्योर कर रहे हैं. तो फिर मैंने ये सोचा कि इसकी हम तो हमारे लोगों की तो सस्टेनेबिलिटी ही नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन को पाकिस्तान में लाया जाए. तो वो दौर था जब कोरोना आ गया हुआ था. अब कोरोना के दौर में आई जस्ट 2020 जी yeah. ना उससे रातर पहले थोड़ा सा yeah. ये हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. बट उसमें ये हुआ कि हमने मैंने इसके ऊपर कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि हमारे बीबीए के बच्चे को नहीं पढ़ाई जा रही, एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं पढ़ाई जा रही, इवन कंप्यूटर साइंस फ्रंट एंड है, एआई आ गया है, लेकिन बैक एंड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. तो मैंने इसकी लाइसेंसिंग के लिए कि ये कैसे पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन को शुरू किया जाए, तो आई स्टार्टेड दैट. एक कमरे में बैठ के आई जस्ट वर्कड फॉर द चार्टर का लाइसेंस मिले. हाँ जी आई, और वो 3 साल कोरोना में वो मेरे हस्बैंड कहते थे हम पता नहीं क्या नाइट सूट में कर रही होती हो. बट उसका आई रियलाइज्ड कि क्योंकि उस चार्टर को लेने के लिए देवर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और तब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी बंद होते थे, बहुत मुश्किल हो रहा था, ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था. बिल्कुल जी. तो वो आप कहीं, तो मैंने इसकी लाइसेंसिंग के लिए इसके स्टडी और एग्ज़ाम सेंटर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का पहला जो है, पहले एग्ज़ाम ब्रिटिश काउंसिल लेता था और अब मैंने इसको जॉइन किया. और आपको लाइसेंस मिल गया? जी जी बिल्कुल, आई हैव गॉट द लाइसेंस लास्ट ईयर. पाकिस्तानी लेडी जी, आई एम द ओनली लाइसेंस होल्डर ऑफ द एग्जाम सेंटर. जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को देखा जाए तो. जी जी आई हैव, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस क्वालिफिकेशन, और इट्स अ रॉयल चार्टर है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उस चार्टर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन के लोग. जी नाज़रीन, देखा आपने कि हमारी खवातीन कितनी बाहिम्मत है, और यही ख्वाबों की तबीर है जिसका सफ़र जारी रहता है. सर माशाल्लाह आप के क्रेडिट में माशाल्लाह, जो आपने बताया है कि यू आर फर्स्ट लेडी पाकिस्तानी, यानी जिसके पास ये क्रेडिट जाता है, ये सफ़र फिर भी जारी रहा, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में कि अब फिर आपको वुमेन चैम्बर, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि वुमेन चैम्बर में आकर आपने समझा कि मैं यहाँ पर अच्छा रोल प्ले कर सकती हूँ फॉर वुमेन को और वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, ये प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा मेरे व्यूअर्स को. बिल्कुल, जब लाइसेंस मिल गया, क्योंकि मुझे कहते थे कि मतलब यू आर आप इसमें प्रेसिडेंट बने, तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन भी शुरू कर दी थी. रादर मैंने मैंने सोचा कि जिसके लिए मैं लाइसेंस ले रही हूँ मुझे उसकी खुद नॉलेज भी होनी चाहिए, तो मैंने साथ साथ पढ़ना भी शुरू कर दिया और इसके लाइसेंस के लिए भी काम करना शुरू कर दिया. जब मेरी पढ़ाई जो है, अब आई एम डिप्लोमा होल्डर एज अ प्रैक्टिशनर, और इसके 6 लेवल्स होते हैं, तो आई एम एट लेवल 5, और जो 6th है दैट इज़ द एमसिप्स की पूरी वो चार्टर क्वालिफिकेशन है. तो इट वाज अ गैप ऑफ 20 इयर्स, आफ्टर 20 सालों के बाद जो है दोबारा से पढ़ना और इस क्वालिफिकेशन को करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है. हाँ, और मैंने इसको मीना रीजन से किया. जब मुझे पता चला कि मीना रीजन से मुझे करना पड़ रहा है, और मेरे साथ जो मेरे कोहोर्ट में लोग थे वो दुबई के जो हॉस्पिटल्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल फंड्स की कर रहे हैं या जो ऑयल की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं
वो सारे लोग उनकी लाइसेंस होल्डर्स ही थे, इसी के ही लाइसेंस होल्डर्स थे, और उनकी बाय लॉ गवर्नमेंट से उन्होंने ये कर दिया हुआ था कि विद इन 3 ईयर्स जो है, जो गवर्नमेंट का पैसा लगा रहे हैं, टैक्स का पैसा है या FDIs है, तो वो जो है वो लाइसेंस होल्डर्स हैं। okay. तो फिर मैंने कहा दिस इज़ समथिंग जो कि पाकिस्तान में भी हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो पाकिस्तान में इनिशिएट करने के लिए इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसका जब लाइसेंस मिल गया तो हमारी जो है, आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड कि मैं एक स्टडी और एग्ज़ाम सेंटर बनाऊँ। मुझे पता चल गया कि हमारे जितनी भी क्वालिफिकेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की या BBA की या ये सप्लाई चेन की जो क्वालिफिकेशन है, ये बच्चों को एकेडमिक नॉलेज दे रही है, अप्लाइड फॉर नॉलेज नहीं दे रही है, जिससे लाइसेंस होल्डर्स नहीं बन रहे। तो प्रैक्टिकली यानी कि उनके साथ प्रैक्टिकली उन बच्चों को नहीं पता चल रहा कि बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे बनाना है, बिजनेस को वैल्यू चेन के अंदर कैसे लेके आना है, बिजनेस को इंटरनेशनल सप्लायर्स को कैसे आपने सप्लायर को भी कैसे इंगेज करना है और बाइंग को भी कैसे करना है, तो नेगोशिएशंस के अंदर क्या चीज़ें टर्म्स होनी चाहिए और इसकी हर डिपार्टमेंट में कितनी इम्पोर्टेंस है। वो सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने वाले के लिए, आप HR को गलत बंदे को गलत जगह पे आप बिठा दोगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो करेगा, तो उसकी ऑब्वियसली यानी कि वो रिजल्ट्स भी यानी कि नहीं आएंगे। इसी तरह जब टेक्नोलॉजी के मैंने देखा कि पाकिस्तान में इतने पोर्टल्स बन गए हैं और फ्रंट एंड पे इतना AI के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन बैक एंड को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया हुआ, तो बैक एंड जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फ्रंट एंड नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं। ये तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि आपने एक जैसा आर्किटेक्ट ठेकेदार से घर बनवा लिया है और आर्किटेक्ट को आप कह रहे हो कि आप प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं सही है या उसकी सनलाइट नहीं सही आ रही, तो आपने बेसिक थे सोचा कि मैं इसको जो बेसिक जो बेस फाउंडेशन है जो जिसके ऊपर वो सारे पोर्टल्स ने काम करना है या जिसने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है और ज़्यादा सप्लायर्स के साथ एंगेज होना है कि कोई चीज़ किससे ली, तो वो बंदे की लाइसेंस होल्डिंग का इम्पॉर्टेंस थी, तो उसके लिए मैंने इसकी स्टडी और एग्जाम सेंटर के लिए काम किया। और इवन के देखिए हमारे हॉस्पिटल्स की प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, हमारी रेलवे की प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, तो वही बात हो जाती है कि जब सही नहीं होती तो हमारे बिलियन ऑफ डॉलर्स की नुकसान हो जाता है, और यही नुकसान जो है बिकॉज उसका फिर देर इज़ नो बडी हुज़ अकाउंटेबल। तो ऐसी चीज़ों के लिए वी हैव वर्कड, और पूरी सिप्स की कम्युनिटी जो लोग काम कर रहे थे, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो था कि IMF या वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनली 200 कंट्रीज जो हैं वो इसी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे काम करते हैं। अब वो जब इसी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे काम करते हैं, उनके हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये मैंडेटरी कर दिया है कि लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो पाकिस्तान में भी इसका बिल पास हो गया है 2023 में, बट अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके मुताबिक पॉलिसीज को डिफाइन कर रही है और प्रोसीजर्स को कर रही है। टाइम टेकिंग है इट इज, क्योंकि अभी इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली लोगों को के वो लाइसेंस लेने में कि किन किन लोगों को इसका लाइसेंस लेना चाहिए, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के टूवर्ड्स हो सकता है, क्योंकि हर बंदे का एक्सपर्ट तो नहीं है जो हमारे, जो हमारे जुडिशरी में लोग हैं या लेजिस्लेशन में हैं या हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ में जैसा एक्सपर्ट हायर करते हैं, IT का एक्सपर्ट हायर करते हैं, फाइनेंस का हायर करते हैं, तो सेम इसी तरह प्रोक्योरमेंट का भी हायर करें, ताकि कम से कम जो है वो जो है लोगों का पैसा ज़ाया हो और अकाउंटेबिलिटी हो सके। बिल्कुल जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं साहर मलिक साहबा की बातें सुन रहे हैं, यकीनन बहुत ही यानी कि हकीकत में बबनी उन्होंने जितनी बात की है वो है। जी साहर आप बता रहे थे कुछ सॉल्यूशन की बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। एज अ चेंबर प्रेसिडेंट हम जहाँ पे भी हमें बुलाया जाता था कि आप पॉलिसीज को आके हमसे बताएं या हमें बताएं कि कौन से आपके सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस तरह, तो मैं कहती थी आई वॉज द वन जो बिल्कुल इसमें कहती थी कि मैं इशूज़ को डिस्कस नहीं करूँगी, आई एम द वन जो उसको सोल्यूशन बताएगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब आ जाएगी तो खुद ही उस सेक्टर में जो है ना चीज़ें सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। तो
दिस इज़ वन ऑफ द बहुत मेजर सोल्यूशन है जो कि हमारे पूरे मीना रीजन ने इसको अडेप्ट कर लिया है, 200 कंट्रीज ने इसको कर लिया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत जल्दी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएगा और हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ है। सहर, अब बात करते हैं हम वुमेन चैम्बर की, खवातीन का एम्पावर होना कितना ज़रूरी समझती है आप? खवातीन का हर रोल ही बहुत इम्पोर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। अगर वो घर में है तो अगर बच्चों की तरबियत ही कर रही है तो आई थिंक वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मेल के लिए भी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वही बच्चों ने उसका सदका जारिया बनना है। तो अगर उसकी जो मेन तरबियत और मॉरेलिटी लेवल है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग मदर्स जो है ना वही स्ट्रॉन्ग लीडर्स बना सकते हैं, वही एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन बना सकते हैं, एक जनरेशन को लीडर्स, जनरेशन, कम्युनिटी को जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मदर ही उसको कर सकती है। और हमारे रूरल एरिया की फीमेल हो और या फॉर दैट मैटर के अर्बन की है तो सब ये अपने अपने डोमेन में काम कर रही हैं, वो बेशक घर में एक हाउसवाइफ बन के कर रही हैं या मदर बन के कर रही हैं, होम मेकर है, तो इट्स एज इम्पॉर्टेंट जॉब क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी को ही आगे लेके चलना है। विमेन चैम्बर में जब हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में हमारी औरतें खेतों में भी काम करती हैं, किसी अपने जानवर की पाली कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं अगर उनके पास कोई है तो बेसिकली वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रही हैं जिससे हमारी एक फैमिली सपोर्ट हो रही है। अब जितना एक्सपेंसिव सारा कुछ हो गया है तो खाली एक बंदे की इनकम से पूरी नहीं पॉसिबल है, तो 50% अगर ये रोल नहीं प्ले कर रही होंगी, मतलब आदमी ऑब्वियसली जब काम कर रहा है तो वो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता, तो जो उसका काउंटर पार्ट है वो उसके लिए हेल्प कर रहा था। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की भी ज़रूरत है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी सिर्फ इसी तरह ही आ सकती है कि फीमेल्स रोल प्ले करें और इकोनॉमी पॉजिटिव रोल प्ले करें, थोड़ी डायरेक्शन जो है वो ऐसी कर लें जहाँ पे उनकी इकोनॉमिकली वो अपने घर में भी अगर सब्जी ही उगा रही है तो उसको भी थोड़ा सा कमर्शलाइज कर लें, या बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जो वो घर से बैठ के कर सकते हैं। ई कॉमर्स का दौर आ गया है तो अब तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो फीमेल घर में से बाहर निकल के भी, बिल्कुल वो तो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, अब तो ऐसी चीज़ रही नहीं है। आपकी जो आपको बेस्ट फैसिलिटेट करता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और फैमिली की ग्रोथ के लिए भी। यानी कि वो दौर चला गया जब एक खवातीन घर बैठेगी और यानी कि मर्द हजरात अर्न करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी आपने बात की थी AI की और ई कॉमर्स की, ऑब्वियसली आफ्टर कोविड दुनिया वर्ल्ड इज चेंज हो चुकी है, यानी हर तरह से। आप क्या समझती हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आप ऐसी खवातीन को, जब आपका एक मेन आप लोगों की कोशिश एम्पावर भी करें उनको, लेकिन स्किल्स जो है ना उसमें हमारी खवातीन आज भी बहुत पीछे हैं, तो क्यों ना आप एक खवातीन को अगर हुनर दे देती है ना कि उसकी फाइनेंशली हेल्प की जाए किसी ना किसी तरीके से, उसको एक हुनरमंद बनाते हैं आप, और फिर जिस तरह के ई कॉमर्स और इस तरह के अदर स्किल्स IT के हवाले से, फ्रीलांसिंग के और ग्राफिक्स के, फ्राम जितने भी इस वक्त अवेलेबल सोर्सेज हैं, तो अगर आप वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आप ऐसी खवातीन को यानी कि स्किल सिखाने की कहाँ तक कोशिश कर रही हैं, कहाँ तक कामयाबी मिली आप लोगों को? हमारा जी जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है WRCI दैट इज़ द वुमेन रिसोर्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर, और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था इसमें हमने यही सोचा था कि हर फीमेल को उसकी इतनी हैंड होल्डिंग करें कि उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके उसका इंडस्ट्री तक किसी की वैल्यू चेन के अंदर लेके जाए। जो मेन इनिशिएटिव है कि उनको एक ई कॉमर्स की भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं बट उसकी बैकएंड की भी साथ दी। ओके, ये नहीं कि ये आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम? जी हमारा जो सबसे जिसमें वी आर रियली प्राउड ऑफ, और ऑब्वियसली डॉक्टर शैला ने और बहुत से हमारे प्रीवियस प्रेजिडेंट्स ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, और ये जो WRCI का प्रोजेक्ट है ये हमारा बहुत अच्छा जो हम PSICS पाकिस्तान स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेशन, तो उसमें जो है ना
हम उनके साथ मिलके ये जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स उनको करवा रहे हैं, जहाँ पे उनको बिजनेस की यही मैंने कहा ना कि कैसे परचेज करना है और कैसे उसको जो है फिजिबिलिटी बनानी है, बिजनेस प्लान को कैसे लेके चलना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको एलोकेट कैसे करना है, और प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों में हम उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आप जिसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन। प्रोडक्ट बन गई, आपने ब्रांडिंग भी कर ली, प्री मार्केटिंग भी कर ली उसकी, सब कुछ। अब उन खवातीन को पता नहीं है कि बाहर की मंडियों में, यानी कि इंटरनेशनल, यानी कि उसको अपनी प्रोडक्ट को लेके कैसे जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें बिफोर कोविड, चाहे वुमेन चैम्बर हो, चाहे लाहौर चैम्बर हो, अदर चैम्बर भी, ये लोग इवेंट्स एग्जीबिशंस करते थे B2B एंड B2C, जिसमें खवातीन भी जाती थी, उनको अपनी प्रोडक्ट्स ले जाने का मौका भी मिलता था, खुद भी जाने के। लेकिन अब वो थोड़ा सा आफ्टर कोविड सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है, तो वुमेन चैम्बर के एज ए प्रेजिडेंट आपने आप कुछ ऐसा करिए कि खवातीन को अपनी प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुँच पाती, प्रोडक्ट बन जाती है। मेनली हमने जो एक उसकी सेल के ऊपर असल चीज ये है जी, देखिए हमने जब हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का देखते हैं कि क्यों नहीं वो फ्लरिश कर रही पाकिस्तान की, या SME क्यों नहीं फ्लरिश कर रही, तो इसी चीज़ को हमने मद्देनजर रख के ये बात की थी कि हम उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में, उनकी पैकेजिंग को डिसाइड करें, उनके रॉ मटेरियल को करें, उनके कलर कॉम्बिनेशंस को करें, वो उसके लिए हर डिज़ाइन हाउसेस को हम बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ताकि वो वैल्यू चेन के अंदर किसी की आए। तो जो वैल्यू चेन का उनके प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है ना, ये इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि वेमेन चेम्बर ने लिया है, कि जहाँ पे उनको ई कॉमर्स से भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनका बैकएंड भी अच्छा हो, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, उसकी वैल्यू एडिशन सही तरह हो, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके मुताबिक हो। तो हमारे बिल्कुल हम इसी के ऊपर ही मेनली फीमेल्स को, ताकि वो काम तो कर रही हैं लेकिन उनके काम की डायरेक्शन सही हो, उनकी सस्टेनेबिलिटी सही हो, उनका बिजनेस जो है वो 3 साल की ग्रोथ और 5 साल की ग्रोथ और 20 सालों की ग्रोथ जो है वो उसमें सब में जो है ना। बिल्कुल। सर अगर मैं बात करूं आपके ये मौजूदा टेन्योर की, जिसको आप अभी एज ए प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर देख रही हैं, कोई एक चीज़ बता दीजिएगा कि आप कह सकती हो कि मेरे टेन्योर में वुमेन चैम्बर में खवातीन के लिए ये हुआ। जी बिल्कुल, वो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी की बात आई एज अ सिप्स के चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन आई, तो अकाउंटेबिलिटी की बात आई, तो जब पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल असेंबली से जब 2023 में सिप्स का ये पॉलिसी जो है वो लेजिस्लेशन बनी है, अब ये है कि उससे ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब लाइसेंस होल्डिंग की बात आएगी तो हमारी SME उसी पे ग्रो करेगी। अच्छा। तो लाइसेंस होल्डिंग की इम्पोर्टेंस जो है कि वैल्यू चेन, सप्लाई चेन और एजुकेशन जो है वो एकेडमिक से जो है वो अप्लाइड फॉर्म में जाएगी, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा चेंज आएगा जहाँ पे हम बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे और अकाउंटेबिलिटी पे काम करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग, लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतर करे होपफुली। सर ख्वाबों की तबीयत मिल गई, जो बचपन के ख्वाब थे और निचली स्टेजेस के जो ख्वाब थे, कुछ करने के, कुछ पाने के, वो तबीयत मिल चुकी, ख्वाब पूरे हो चुके कि अभी भी सफर काम से जारी है? सफर तो हमेशा जारी है। यार कौन से ख्वाब रह गए? नहीं नहीं जी, ये तो अभी तो फर्स्ट स्टेप है। ओके। हाँ, ये अभी तो इसकी ग्रोथ जब तक नजर नहीं आएगी कि इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर क्या आएगा, सोसाइटी पे क्या आएगा, तो तब ख्वाबों की ताबीर होगी ना। यानी कि इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टू इट। चलें, अगर हम इसको ऐसे देख लेते हैं, मैं अपने हर यानी कि जो मेरे गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ ये बात, कोई ऐसा ख्वाब जो अब जिसकी जस्तजू में अब आप लगी हैं कि अब वो मिल जाए? बिल्कुल, मैं इसी की जस्तजू में हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और GDP ग्रो हो, हमारा CPAC चले, पाकिस्तान के सप्लायर्स जो हैं वो इंटरनेशनल। मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। जब आप मेरी अब अपने आपको सहर मलिक कहाँ देखती हैं इसके बाद? ये
इसको ऐसे ले लें। मैं टू बी ऑनेस्ट अपने आप को एज अ शहर मलिक और लाहौर की पॉलिटिक्स में और ये चीज आम सी है इसलिए मैंने पूछा आपका। नहीं अभी तो देखिए मैं तो हमेशा ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ और मेरा जो प्रोफेशन भी और मेरी जो इंटरेस्ट है बिजनेस को बिल्कुल उसमें अब उसमें अगर आई वुड वांट टू गो टू अ लेवल जहाँ पे वो इम्पैक्ट इतना अच्छा नज़र आए तो उसके लिए जहाँ पे भी जैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने की ज़रूरत है बट इट शुड ऑलवेज बी फॉर द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ये बहुत अच्छी बात है सर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बातें और भी बहुत सारी हैं लेकिन चूँकि टाइम की बंदिश भी है और आपकी भी कमिटमेंट है और भी तो सर कोई एक मैसेज आप समझती हो कि ख़वातीन को आप देना चाहती हो एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर खिदमत है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल हमारा तमाम इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही एक बेनिफिशियल है कि लोगों तक आपका मैसेज पहुँच जाए तो प्लीज़ आप ख़वातीन को कुछ आप एड्रेस करना चाहें कि वो आगे बढ़ें और शहर मलिक से मैं हर फीमेल को बिल्कुल इस चीज़ पे कि उनको दे नीड टू एक्चुअली रियलाइज देयर ओन इम्पोर्टेंस वो जब जितनी अच्छी अपने आप को जितना इंडिपेंडेंट करेंगी जितना अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में जितना रोल प्ले करेंगी तो वो उनकी फैमिली भी एक स्ट्रॉन्ग मदर जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स और सोसाइटी को बिल्ड करेगी तो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर फीमेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में जब भी वो अपने आप के ऊपर जो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो भी काम कर रही है फीमेल वो ज़िंदगी के हर स्टेज पे हो सकता है और आप बिल्कुल करियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक होम मेकर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा ना कि सोसाइटी तो उनके बगैर हो ही नहीं सकती तो फीमेल्स को ये करियर और ये जो चॉइस है ना ये साथ साथ लेके चलनी है। मल्टीटास्किंग फीमेल से ज़्यादा अच्छी कौन कर सकता है। नो डाउट इसमें तो बस आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मैसेज आई वांट कि वो जो है ना अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो है ना वो कभी भी तवज्जो ना छोड़े। बिल्कुल ठीक सर आपका बहुत शुक्रिया यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 60 मिनट्स टाइम था हमारा गुजर गया पता भी नहीं चला। मुझे इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा बाबू का सिलसिला जारी रहेगा और हम किसी नई जगह पर किसी नए पोर्टफोलियो के साथ आपके साथ मिलेंगे और एक निश्चित तौर करेंगे। जी नाज़िम आप देख रहे थे शहर मलिक साहिबा जो कि प्रेसिडेंट है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर डिवीज़न आज हमारे साथ इस यानी कि सफ़र में एज ए गेस्ट थी और इस उम्मीद के साथ शाहिद मियाँ को इजाज़त दीजिए कि ये पाकिस्तान के तमाम परचम और ये पाकिस्तान की तमाम रंगीनियाँ हम सब से हैं हमें इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए हमें अपने प्रोडक्ट्स की कदर करनी चाहिए हमें अपनी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।